थाने के मुमरा आयुबीटी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। ठाकरे ने गरजते हुए कहा कि जिन्हें सत्ता का घमंड हो गया है उन्होंने शिवसेना की शाखा पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन असली बुलडोजर तो मैं मुमरा की सड़कों पर लेकर आया। इसके अलावा बैनर फाड़ा गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, चोरों ने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा है, चुनाव तो होने दो, सबकी मस्ती उतार देंगे। मुमरा पहुंचे उद्धव ठाकरे ने उपस्थित समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान ठाकरे ने पुलिस प्रशासन पर व्यंग कसते चोरों को संरक्षण देने की बात कही और पुलिस को धन्यवाद दिया। उद्धव ने कहा कि पूरा राज्य देख रहा है कि प्रशासन हताश है। उन्होंने कहा कि अगर आज मुमरा में कुछ हो जाता तो महाराष्ट्र की इज्जत पर दाग लग जाती। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारियों ने तो पहले ही महाराष्ट्र की इज्जत को बर्बाद कर दी। उद्धव ठाकरे सबसे पहले रेती बंदर पहुंचे, साथ में सांसद संजय राउत भी थे। यहां स्थानीय विधायक जितेंद्र अहवाड़ और शिवसेना नेता सांसद राजन विचारे ने उद्धव का स्वागत किया। जैसे ही ठाकरे का काफिला पहुंचा वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने कौन आया शिवसेना का बाग आया के नारे लगाए। यहां जेसीबी से उद्धव ठाकरे के काफिले पर फूलों की वर्षा हुई और जमकर पटाखे फूटे। इसके बाद ठाकरे शंकर मंदिर क्षेत्र स्थित शिवसेना शाखा की जगह पर गए। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते शाखा परिसर में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इसके साथ ही परिसर पर ड्रोन से भी निगरानी की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।